सभा की सरकार बनाने के लिए नहीं करते, परिवर्तन करना है। एक कांग्रेस जेएम और आरजेडी की जो सरकार है वो समग्र देश में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता का। मैं मां भद्रकाली को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं आपको वादा कर जाता हूं, हमारे प्रदीप प्रसाद और तिवारी मातों को चिता दीजिए, अगली रामनवमी में डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, डंडे नहीं। शाम के साथ हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और भाजपा सरकार रामनवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी, ऐसी सरकार। भाइयों बहनों, मैं नार राम नारायण सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज गोपाष्टमी है, आज का दिन गौ माता की सेवा को समर्पित होता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो गौ सेवा और गौ संवर्धन में मानती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है इस देश की परंपरा, संस्कृति, इस देश के त्योहार इससे अलग होकर इस देश का विकास नहीं हो सकता। जब गोप अष्टमी है तब मैं आज कहना चाहता हूं कि सारा देश आज के दिन गौ वंश और गौ माता की न केवल पूजा करता है, उनको बचाने का भी संकल्प करता है और हम सब इस संकल्प के साथ हैं। भाइयों बहनों, यहां पर 13 तारीख को चुनाव है और चुनाव जो होने जा रहा है उसमें मुझे मालूम है कि आप लोग परिवर्तन करोगे ना, जरा जोर से बोलो करोगे ना, और जोर से बोलो करोगे ना। ये परिवर्तन क्यों करना है भाई? परिवर्तन एक पार्टी की सरकार निकालकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए नहीं करते, परिवर्तन एक कांग्रेस जेएम और आरजेडी की जो सरकार है वो समग्र देश में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको बदलना। हजारों की मेहनत भी है, आप में से किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ रुपया देखा है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के नेता इलाज मुफ्त में हो रहा है और अब किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा, इलाज के लिए दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपये तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अरे जानते हो ना भाई, वो राहुल बाबा अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर अंग्रेजी में बतियाने लगे और उन्होंने कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं। मुझे बताओ भाई,
पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? जोर से बोलो, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा दें। और भाइयों बहनों, आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं दे, मगर कांग्रेस पार्टी ये जेल वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहिए। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% के घर पर रेड पड़ी और 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर पर रेड पड़ी, 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 27 मशीनें नोट गिनने के लिए लाए, मगर वो भी गर्म होकर बंद हो गई। 2 दिन गिनती चली, 2 दिन कितने दिन चली? अरे हजारीबाग वालों, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, ये पैसा मेरे झारखंड के युवाओं का और पिछड़े वर्ग का है जो एक कांग्रेस और जेएम लूट कर ले गए। एक करप्शन अटकाना है, जोर से बोलो, एक भ्रष्टाचार अटकाना है क्या? और जोर से बोलो, अटकाना है। अटकाना है तो उखाड़ कर फेंक दो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, एक कांग्रेस की सरकार को। मैं आपको कहता हूं, आपकी पाई पाई जो चोरी कर कर गए हैं, उनको बक्सा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता का। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, और मोदी जी मुफ्त राशन बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, वो भी इस सरकार के बिचौलिए खा। भाइयों बहनों, गरीबों का जो राशन खा जाए उसको फिर से चुनना चाहिए क्या? बताइए, चुनना चाहिए? एक गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में 7